हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। अरसे बाद दिखी धर्मेंद्र की पहली पत्नी। पोते करण की मूवी देखने पहुंची दादी। सनी देओल के बेटे करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास रिलीज हो गई है। गुरुवार रात फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई। इस स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के तमाम सितारे पहुंचे। सोशल मीडिया पर स्क्रीनिंग की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। ये देओल फैमिली की तीसरी जनरेशन की बॉलीवुड में एंट्री है। इस खुशी के मौके पर पूरी देओल फैमिली करण के सपोर्ट में खड़ी नजर आई। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर भी पोते की फिल्म देखने के लिए पहुंची। प्रकाश कौर की पब्लिक अपीयरेंस कम ही देखने को मिलती है। स्क्रीनिंग में पोते की हौसला अफजाई करने के लिए प्रकाश पहुंची थी। इस दौरान प्रकाश बेहद ही सिंपल लुक में नजर आई। उन्होंने सलवार सूट पहना हुआ था। हालांकि इस फिल्म की स्क्रीनिंग से फिल्म की एक्ट्रेस और हेमा मालिनी गायब नजर आए। बता दें कि स्क्रीनिंग में धर्मेंद्र भी पहुंचे थे, लेकिन धर्मेंद्र और प्रकाश दोनों अलग अलग स्पॉट हुए। मालूम हो कि धर्मेंद्र ने प्रकाश से 1954 में शादी की थी। दोनों के 4 बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अजीता है। धर्मेंद्र की विजेता, अजीता, आहना और ईशा 4 बेटियां हैं। आहना और ईशा हेमा मालिनी से है। चारों बेटियों में से सिर्फ ईशा ही बॉलीवुड फिल्मों में नजर आई है। अभय देओल ने स्क्रीनिंग अटेंड की। वैसे बता दे कि अभय देओल को ज्यादातर लोग धर्मेंद्र के बेटे के रूप में पहचानते हैं, लेकिन असल में वो उनके भाई के बेटे हैं। करण सनी देओल के बड़े बेटे हैं। सनी और पूजा देओल के बेटे करण फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। बता दें कि पल पल दिल के पास करण देओल की डेब्यू फिल्म है। इस फिल्म से दर्शकों की काफी उम्मीदें जुड़ी है। ये एक इमोशनल लव स्टोरी ड्रामा फिल्म है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।